तो पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था और अभी कुछ इस प्रकार से फोटो है। तो यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास एक फोल्डर में फोटोज है और इस फोटो को सिंपल आपको सबसे पहले अपने फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फोटोज को ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको विंडो में चले जाना है और यहाँ पे लेयर पैनल को आपको ओपन कर लेना है और लेयर पैनल में आपको सबसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे खाली जगह में, तो यहाँ पे लार्ज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लार्ज कर लें, या तो आपके पास यहाँ पे मीडियम भी रह सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोटो हमारा कितना ज़्यादा डार्क है, यानी कि ये जो इसका गर्ल का जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। तो इसको हम कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं ये हम आपको आज बताएंगे बड़े ही आसान तरीके से। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एक लेयर के नीचे सेट मिलेगा, इस सेट के आपके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फोल्डर नाम का एक सेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेंगे और नीचे वाला लेयर को यहाँ से हाइड कर दूंगा और यहाँ पे इस लेयर को यहाँ पे जो बैकग्राउंड लेयर है हमने जो कॉपी किया इस सेट के अंदर हमने कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पे जो देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसे बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड लेयर है इस बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब जो भी काम करूँगा मैं इस सेट के अंदर जो पड़ा हुआ बैकग्राउंड लेयर है इसी पर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो फेस है इसको मैं इस प्रकार से जूम कर लूँगा और उससे और सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे एक कलर लेना है। कलर लेने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे इस एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करना है और सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वाइट कलर ले सकते हो और या चाहो तो आप थोड़ा सा जो है कि इस टाइप का जो कि हल्का सा इसमें येल्लो स्टोन वाला वाइट ले लूँगा और ओके करूँगा और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा जो कलर था वो इन्वर्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको ब्रश टूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ब्रश टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है इसको इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है और बड़ा करने के बाद यहाँ पे ब्रश टूल में जाएंगे और यहाँ से आपको 300 नंबर का ब्रश मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 300 नंबर का हमने ब्रश को सेलेक्ट कर लिया और डायमीटर को यहाँ से आप अपने ब्रश के आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा, जैसे मैं बड़ा कर दिया तो बड़ा हो गया, अभी मैं इसको छोटा चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टूल्स बार में ऊपर में ब्लैक है और नीचे में आपका वाइट है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से इस तीर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाइट ऊपर हो जाएगा ब्लैक नीचे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रश टूल तो आपका सेलेक्ट है ही, उसके बाद आपको क्या करना है इस पर ब्रश आपको चलाना है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ब्रश में चला रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे आराम से मैं जल्दीबाजी में करके इसको मैं थोड़ा सा ब्रश को यहाँ पे मैं पूरी एरिया को फेस के एरिया को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपना ब्रश को सेलेक्ट कर लिया हूँ और ब्रश यहाँ पे मैं पूरे फेस में अप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेयर में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास नॉर्मल आपको दिखेगा, इसको ब्लेंडिंग मोड कहते हैं, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेस जो है थोड़ा सा वाइटनेस हो चुका है, तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे और ज़्यादा इसमें इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लेयर बार में आपको एक फेस का एक आइकॉन दिखेगा, इस पर आपको कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेस है जितना भी फेस का एरिया को आपने सेलेक्ट किया है वो आपका डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको चले जाना है एडजस्टमेंट टूल पे और उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है सेलेक्टिव कलर में और सेलेक्टिव कलर में जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आप अपना रेडी स्टोन को बढ़ा सकते हो, यानी कि इसको कम कर सकते हो और यहाँ पे येल्लो को सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से इसको आगे की ओर लेके चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू है तो ब्लू को आप चाहो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है, या तो आप इसे जीरो रखें। उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद लेवल्स पे क्लिक करना है और थोड़ा सा इसका लेवल्स को इस प्रकार से आप डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा चमक बढ़ जाए इस फेस का। और उसके बाद यहाँ पे अभी मैं आपको आउटपुट इसका दिखाऊंगा, तो यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, आप फिर से सेलेक्ट करूँगा और फिर से एडजस्टमेंट टूल पे जाऊँगा और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा का यहाँ पे ह्यू एंड सेचुरेशन पे, इस पर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पर आप देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा, हल्का सा इसको बढ़ाना है
ठीक है। अगर आप इसको जीरो रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। सेचुरेशन में आपको थोड़ा सा इसे आगे की ओर लेके जाना है और वाइटनेस आपको बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से, देख ही सकते हो आप, और इसे थोड़ा कम करना है। और यहाँ पर रेड को आप चाहो तो बढ़ा घटा सकते हो कुछ इतना, और इसका सेचुरेशन को बढ़ा घटा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो चुका है। और अभी इसका सेट में अगर मैं इसका देखूँ तो सेट को आप देख सकते हो, पहले कुछ इस प्रकार से था और अभी कुछ इस प्रकार से है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा और सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट टूल पे जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कलर बैलेंस का ऑप्शन, इस पर आप देख सकते हो कलर बैलेंस करके आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको ब्राइटनेस आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कलर बैलेंस का ऑप्शन आप यहाँ पे येल्लो बढ़ा सकते हो या आप घटा सकते हो, तो अभी आप इतना बढ़ा दिया हूँ मैं, और फेस का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा टोन्स इसका बढ़ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पहले और अभी का जो अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो पहले कुछ इस प्रकार से फोटो था और अभी कुछ इस प्रकार से फोटो है। तो यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।